अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वन मोर अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ अदाकारा इमरान ख़ान के बारे में, जो कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन अदाकाराओं में से एक हैं। गाइस, आज इमरान ख़ान ने अपने इंस्टाग्राम क्रिएटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर की है जिसने सबके तकरीबन होश ही उड़ा दिए हैं, जिसमें उनका कहना है कि वो कल अपनी फैमिली का इंतज़ार कर रही थी, जिस दौरान वहाँ पर तीन आदमी आए, उन्हें अगवा करने की कोशिश भी की गई, ये भी नहीं बल्कि उनके पेट पर लोडेड बंदूक रख के उनको डराया भी गया। इमरान ख़ान का मज़ीद कहना है कि उनके सामने काफ़ी सारे लोग थे मगर उनमें से उनकी किसी ने भी मदद नहीं की और उन्होंने अपनी मदद अपने आप खुद ही की। इमरान ख़ान का मज़ीद कहना है कि हमारा मुल्क जो कलमा तैयबा के नाम पर बना है, आज इसमें इस तरह की हरकत की जा रही है, जबकि हमारे मुल्क के ख़वातीन ही सेफ नहीं है, तो 14 अगस्त की मनाने का क्या फ़ायदा और तरह तरह की झंडियाँ उठाकर रोडों पर बांटने का क्या फ़ायदा जब आपके घर के ख़वातीन भी सेफ ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक देखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको एक बार फिर से बताते चले कि इमरान ख़ान जो कि अपने वालदेन का इंतज़ार कर रही थी, उस दौरान उन्हें किडनेप करने की कोशिश की गई, जिस वजह से उनकी वालिदा अब तक हॉस्पिटलाइज हैं। इमरान ख़ान का कहना है कि उनकी वालदा को लगता है कि उनकी बेटी यानी कि इमरान ख़ान अब उस दुनिया में ही नहीं है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का और इम्पोर्टेंट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे शोल्डर पे मेरे बैग्स थे।